बरेली में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल की ओर से सोमवार को एसएसपी को एक ज्ञापन सौंपा गया। व्यापार मंडल ने कहा कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के बयान के बाद शहर में हुए बवाल से व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है। तौकीर रजा ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर अपमानजनक टिप्पणी की, इसको लेकर व्यापारियों में रोष है। व्यापार मंडल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी किसी विशेष वर्ग के प्रधानमंत्री न होकर समूचे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द व्यापारी वर्ग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। तौकीर रजा के बयान को लेकर व्यापार मंडल ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की टिप्पणी कर माहौल को ख़राब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए फौरन एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन तौकीर रजा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। व्यापार मंडल ने कार्यवाही न होने पर धरना प्रदर्शन और बाजार बंद करके विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष शोभित सक्सेना, जिलाध्यक्ष राजकुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। क्या नाम है? शोभित सक्सेना। क्या मामला है जो यहाँ पर आया? मामला ये है कि आज की तारीख में ये तौकीर रजा खां ने जो शहर की माहौल और फिजा ख़राब की है, ये ऐसा नहीं है कि आज पहली बार करा है। ये भूतपूर्व पहले भी कई बार बयानबाजी करके शहर में दंगे भड़का चुका है और ये व्यक्ति समाज के लिए नासूर है, व्यापारी वर्ग के लिए नासूर है। और मैं तो इस बात पर आश्चर्यचकित हूँ कि शासन प्रशासन ने अब तक इसके बयान पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। जो व्यक्ति यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे अनर्गल बयान दे रहा है, जो हिंदुओं को आतंकवादी बता रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ अब तक कोई एफआईआर लॉज नहीं हुई। व्यापार मंडल इस बात को लेकर चुप नहीं बैठेगा, किसी कीमत पर चुप नहीं बैठेगा। और अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब व्यापारी एक हैं, समाज में वैमनस्यता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे साथ हिंदू व्यापारी भी हैं, मुस्लिम व्यापारी भी हैं। हम पूरे बरेली को बंद कराएंगे अगर इसके खिलाफ एफआईआर लॉज नहीं हुई तो। धरना प्रदर्शन होगा, फिर जो है शासन प्रशासन की शायद तभी नींद टूटेगी। मंडल जिलाध्यक्ष, क्या मामला है जो आज आज जो हम एसएसपी साहब के पास आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि पूरा शहर देख रहा है, प्रशासन भी देख रहा है किस तरह से शहर में नफरत फैलाई जा रही है, शहर को दंगे की आग में झोंका जा रहा है। जो 2010 में हुआ, व्यापारी नहीं चाहता है कि अब इस समय आने वाले समय में हो। अगर कोई फेसबुक पर कोई भी टिप्पणी हो जाती है तो प्रशासन जो है उसके लिए तुरंत मुकदमा लिख लेता है, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेता है। लेकिन शहर के अंदर एक मौलाना ने इतनी गुंडागर्दी फलवाई, इतनी बदतमीजी करवाई, पथराव हुआ श्यामगंज जैसे शहर में, उसके बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम प्रशासन से चाहते हैं मौलाना तौकीर रजा खां को गिरफ्तार किया जाए और उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई करके जेल में डाला जाए।